डियर ऑल गुड मॉर्निंग मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं आज इस मीटिंग में हमारे एमपी के लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं आज की इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर से डी एक्सन प्रोडक्ट के बारे में इससे पहले मैं हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा उनकी डी एक्सन में शुरुआत होती है दो में डी के साथ साथ टीचिंग लाइन में भी काम करते हैं जब वो डी एक्स एन ज्वाइन किए थे डी एक्स एन उनको आज आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था और धीरे धीरे उनको डी एक्स एन बिजनेस प्लान के बारे में समझ अच्छी तरीके से समझ आती है और जानकारी प्राप्त होती है और इसके बाद 2017 में डी एक्स एन बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डाइवन मिस्टर विशेष कविता शुक्ला जी को गुड मॉर्निंग मैडम स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में माइक ओवर टू यू मैडम ओके गुड गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर आपका सर आवाज आ रही है मेरी क्लियर बिल्कुल आवाज क्लियर है क्लियर है, okay. है। uh, okay. तो मैं सबसे पहले uh, सभी सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और ईश्वर uh, का सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने uh, मेरी सदबुद्धि दी और मेरा दिमाग इस तरफ से सोचने पे मजबूर हुआ कि ये चीजें अच्छी होती हैं क्योंकि पहले बहुत से नेगेटिव थॉट्स थे इस चीज के लेके और उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर लेम्स और जिनको जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के सामने ला के दिया बहुत प्योरिटी के साथ बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत एक जो इनर आ, फीलिंग होती है कि उसके साथ हमको ये काम करने का मौका मिला साथ में हमारे प्रोफेसर वासुपलिया जी डॉक्टर रत्ना मैम इन सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में लाए और वाकई में लोगों की जो जिंदगी थी उसको बदला हर तरीके से बदला चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो वेल्थ हो और चाहे एक जो खुशियां जो आती हैं चाहे उस तरीके से हो तो बहुत अच्छा बहुत एक नेम नेक काम बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने दी ताकि हम भी उसमें अपने आप को आगे बढ़ा सकें और हमें भी नाम आसमान सम्मान पैसा खुशियां सब कुछ पाने का मौका मिल सके साथ में डॉक्टर एस रंजन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस चीज को एज ए डॉक्टर क्वालिफाइड इतने नाम प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो हमारे दो भूतपूर्व भूतपूर्व सम्मानित जो राष्ट्रपति हैं उनके वो पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति ने इस चीज को प्रमोट किया है हम लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है और हम आज उनके सामने कुछ भी नहीं है इस बिजनेस को हमने शुरुआत की है और इसे बहुत आगे तक हमें लेके जाना है और उनके उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें सब हमें मिलता रहेगा और इसके बाद में सब सबसे जो धन्यवाद देना चाहूँगी आभार देना चाहूंगी अपने गुरु जो मेरे पहले गुरु हैं तो मिस्टर समीर जैन सर क्योंकि उन्होंने अगर मुझे इस चीज के बारे में नहीं समझाया होता मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा धक्का नहीं लगाया होता कि तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो और आज जो जो चीजें उन्होंने मुझे बताई थी कि आप ऐसा करते जाओगे तो आप ऐसे 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 आगे बढ़ते जाओगे और आज उनकी जो जो बातें कही गई थी वो सब सही हो रही हैं और मैं भी आज धीरे 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 ही सही लेकिन इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से रम गई हूँ और इसे बहुत अच्छे तरीके से अब करना शुरू कर दिया है और थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ सीख रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ और अपने एमपी के बिजनेस टीम का मनोरंजन आप का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात सभी के सामने रख सकूं सभी से मिल सकूं रूबरू हो सकूं और लोग मुझे सुन सके इसका मौका आप सभी ने मुझे दिया है उस सभी के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा और एक मौका मुझे आप सभी के सामने आने का दिया है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू अब मैं आज का जो मुझे सेशन मिला था जिसमें मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जो है वो शेयर करनी है जिसमें मेरा आज का जो प्रोडक्ट है उसमें मैंने आज की जो सब की सबसे ज़्यादा जरूरत है हर किसी की जरूरत है और ये जो ऐसे तो बीमारियां और स्वास्थ्य और इंसान का तो बहुत पुराना रिश्ता है और आज वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ चुका है और उसी से ही रिलेटेड है जो हमारा प्रोडक्ट है वो है इस पृथ्वी का सबसे अच्छा फूड एक ऐसा खाना जिसको खा के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और वो फूड के बारे में आज जिस जानकारी देना चाहूंगी वो है स्पैरोना जिसे हम सभी ने सुना ही होगा और हम आज तक अभी जो जो कोई भी हम स्कूलिंग करते हैं तो ये हमको साइंस की बुक में सुनने को मिल रहा है पढ़ने को मिलता है देखने को मिलता है और ये हम तब से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे हम केवल थियोरिटिकल नॉलेज लेते थे मैंने भी पढ़ा था इसको मेरा भी क्योंकि साइंस फील्ड रहा है तो इस के बारे में पढ़ा तो था कि ये चीज़ होती है लेकिन इसको मेन जब मुझे अनुभव हुआ जब मैंने इसको प्रैक्टिकली इसका यूज़ किया तब तो पता चला कि वाकई में ये कितना पावरफुल होता है तो आज इसे स्प्रोलिना के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आप तक शेयर करूंगी। ये कंपनी जो है वो तीन फॉर्म में देती है एक कैप्सूल फॉर्म में रहता है टेबलेट फॉर्म रहता है और ये इसका सेरेल्स भी आता है जो ओट्स के साथ मिला हुआ होता है अब सवाल ये उठता है कि स्प्रोलिना हम क्यों लें तो आज सब उससे पहले स्पिरुलिना ले नहीं ले उससे पहले जो मैं चर्चा करना चाहूंगी आज के जो खान पान के क्योंकि ये डाइट हमारा जो खान पान है भोजन ही हमारे शरीर को कैसा रहना है कैसा वो भविष्य में रहेगा वो डिपेंड करता है और आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये जो चीजें स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी सभी खाते हैं और कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा ही इसका अब जो है वो सेवन किया जाने लगा है जिसमें हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है फैट है कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल कैलरी सुगर सॉल्ट बहुत सारे ये जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो सारी चीजें हमें ज्यादा मिलती हैं और जो हमारे बॉडी को चाहिए विटामिन मिनरल्स प्रोटीन वो इन सब चीजों में बहुत कम होता है अब क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल हो गई इतनी भाग भागम भाग हो गई है फास्ट लाइफ फास्ट फूड लोग खाना पसंद करने लगे हैं और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलता ही नहीं है जो हमारे शरीर को चाहिए वो हम ना देकर वो जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो सब हम अपनी बॉडी को देते हैं क्योंकि तो ये चीज़ें हमारे जीव को हमारे स्वाद को बहुत अच्छी लगती हैं और वो हर चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है जो हमारे जीभ के स्वाद को पसंद नहीं आती है और हम उन चीज़ों को बहुत कम खाते हैं लेकिन आज अगर इस इस चीज़ की बात करें अगर थोड़ा सा हम पुराने समय पे अगर जाएं आज से करीब तीस चालीस वर्ष पहले तो ये सब चीजें बहुत कम थी बहुत कम सुना होगा हमने कि ये कहीं मिलती हैं क्योंकि ना ही पहले इस तरह की चीज़ों के कभी ऐड आते थे और ना ही हमने कभी इन चीजों को सुना था और अगर आप ये सब चीजों पर जाए तो ये भी देखेंगे कि तब इंसान इतना कमजोर भी नहीं होता था और इतनी सारी इंसानी बीमारियां भी नहीं हुआ करती थी आदमी स्वस्थ रहता था एक अच्छी लाइफ जीता था आस, नब्बे सौ साल तो बहुत नॉमिनल थे इतना तो हर व्यक्ति को जी के ही जाना था लेकिन तब उस समय का जो खान पान था वो सॉलिड था ठोस था किसी तरह का कोई मिलावट नहीं था कोई बाहरी का जंक फूड नहीं थे कोई फास्ट फूड नहीं थी कोई एसिडिटी खाना नहीं था सब कुछ नॉर्मल खाना चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो हर जगह पे उसी तरह के भोजन लिए जाते थे लेकिन जब से ये चीजें आई हैं हम उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं और हम सब भुगत रहे हैं क्योंकि इन सब चीजों ने हमें स्वाद तो दिया लेकिन हमारे शरीर को मजबूत नहीं किया शरीर को वो पोषण नहीं दिया जो हमारे शरीर को चाहिए था और जिसकी वजह से आज हम तरह तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे इम्यूनिटी मजबूत हुई ही नहीं हमने तो केवल उसको दिखावा दिया सॉलिड न्यूट्रिशन उसको मिला ही नहीं जो विशेषज्ञों की जो राय है डॉक्टर्स की तो हमारे शरीर में जो भोजन से हमें लगभग फोर्टी सिक्स जो न्यूट्रिशन एलिमेंट होने है, होते हैं वो हमें रोज चाहिए होते हैं छियालीस तरह के पोषक तत्व हमारे भोजन से हमें रोज मिलेंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का जो कहना है कि हमारे बॉडी को 80 परसेंट खाना जो है वो शारी होना चाहिए और 20 परसेंट भाग जो है वो अमली होना चाहिए लेकिन जो लाइफ जो फास्ट फूड जो हमने डाइट पुराने स्लाइड में देखी और लोग जो फॉलो कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी जो है वो 20 परसेंट एल्कलाइन हो गई है और 80 परसेंट एसिडिक हो गई है और ये एसिडिटी हर बीमारी की जड़ है शुरुआत यहीं से होती है बाद में वो आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और तब वो बाहर आती है शरीर के और हम फिर बस डॉक्टर दवाई और पैसा इसी इन्हीं तीनों चीजों में भटकते रह जाते हैं अब अगर ये जरूरी पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलेंगे अभाव होगा तो क्या होगा पहले स्टेप में हमें बीच बीच में सर दर्द होगा मसल्स पेन होंगे जोड़ों में दर्द होगा गैस होगी एसिडिटी होगी थकान होगी कमजोरी होगी मुंह के छाले होंगे कब्ज होगा इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें अपने बॉडी के हिसाब से रोज महसूस करने को मिलती होंगी ये जैसी चीजें हैं पहला चरण है जिसमें हम फील करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ अनइी सा हो रहा है तब हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो चलो ठीक है आज नहीं है तो कल ठीक हो जाएगी कौन डॉक्टर के पास जाए कौन दवा करे जो चल रहा है वैसा ही हम इग्नोर करते हुए आगे चलते रहते हैं लेकिन जब इसका हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये सेकंड स्टेप में पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे ये परेशानियां बड़ी बीमारियों का रूप जो है वो लेने लगती हैं तब हमारे मुंह में अगर हमारा डाइजेशन खराब रह रहा है पेट साफ नहीं हो रहा बॉडी हमारी हद से ज्यादा एसिडिक हो रही है तो हमारे मुंह शरीर में अल्सर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर हो जाएगा हमारा आंत का अल्सर हो जाएगा मुंह के छाले हो जाएंगे पाइल्स अस्थमा ब्लड प्रेशर माइग्रेन आर्थराइटिस डायबिटीज इतनी तरह की कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आप देख रहे होंगे ये सब कहीं ना कहीं हमारे उस पहले चरण को इग्नोर करने का ही नतीजा होता है और इसमें हम सब आते हैं जो हम इन तरह की चीजों को अभी तक इग्नोर करते आए थे लेकिन अब हम थोड़ा सा जब से इस बिजनेस uh, में और माँ रत्ना संपर्क में आए हैं तब से हमने अपने आप को बचाव का रास्ता अपनाना सिखा दिया है तो इन सब चीजों के अलावा भी अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया का माल न्यूट्रिशन रेट है कुपोषण के लिए इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है यहाँ पे फोर्टी परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जा रहे हैं चौवालीस परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो पांच साल की कम उम्र के हैं लेकिन वो भी अंडरवेटेड है और ये भी एक तरह का हमारा कुपोषण है का रूप है फोर्टी मिलियन पीपल जो है वो ओबेसिटी के शिकार है आजकल हम देखेंगे मोटापा बहुत कॉमन हो गया है पहले ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि जो व्यक्ति मोटा है उसे ही केवल जो है हार्ट अटैक होगा या डायबिटीज होगा या दूसरी इधर प्रॉब्लम्स होगी लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है हर बच्चा जो है अपनी उम्र से पहले मोटा हो रहा है महिलाओं की बात करें तो 51 परसेंट महिलाएं हैं जो आयरन की कमी की वजह से एनेमिक हो चुकी हैं और 50 परसेंट ऐसा ऐसी महिलाएं हैं जो आयरन की कमी की वजह से प्रेग्नेंट लेडी एनेमिक हो जाती है और उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कितने तरह के माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण हमारा जो देश है वो समस्याओं को झेल रहा है और अगर हम इसी तरह से जंक फूड अनहेल्दी खाना खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी और इस तरह के हम प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ेगा तो बेहतर है कि हम इस तरह का जो लाइफ है उसे मेंटेन ना करें और एक बेहतर लाइफ की ओर जाए तो ये थी प्रॉब्लम अब इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि पहला तो हम अपना जो डाइट है उसको संतुलित करें संतुलित आहार का सेवन करें जिसमें क्या हो सकता है हमारे सबसे पहले हम अपनी भोजन की थाली को अच्छा कर लें अच्छे ऑयल का यूज करें आजकल हम देख रहे हैं कि पहले ऐसा रहता था कि हमें वो रिफाइंड ऑयल का यूज करना चाहिए सरसों तेल मोटा होता है नुकसान करता है लेकिन आजकल जो रिफाइंड ऑयल है उसमें इतनी ज्यादा मिलावट होने लगी है कि हर कोई अब रिफाइंड ऑयल खाने से बच रहा है हमने देखा ही होगा सभी ने देखा होगा हम फेसबुक पे यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोज आते हैं कि और खास करके एक बार का यूज किया हुआ जो तेल होता है अगर हम उसे दोबारा यूज करते हैं तो वो कितना 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 ज्यादा हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है ये हम इन सभी वीडियोज में हर कोई देखता ही रहता है तो अगर हम अच्छे तेल का यूज करें जैसे ऑलिव ऑयल है सरसों तेल है इस तरह के तेलों का यूज करें बटर घी हम कम खाएं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो हम सब्जियों को खाएं हरी सब्जियाँ खाएं और हम पानी का सेवन ज्यादा करें दूध और चाय दूध से जो चाय कॉफी बन रही उसे हम बिल्कुल ना पिए या कम से कम पिए और फलों के जूस पिए मीठे पेय पदार्थों को कम से कम पिए साबुत अनाजों को खाएं और अनाज से बने ही खाद्य पदार्थ खाएं जैसे कि रोटी है या ब्राउन राइस है और मैदे से बनी चीजों को कम से कम खाएं या फिर जो ये हमें मछली है मुर्गा दाल अखरोट से जो विटामिन मिलते हैं उनको भी हम बहुत कम खाए चीज जो होता है लाल मांस होता है उसे भी हम बहुत कम खाएं तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हमारे इस खाने में फोर्टी परसेंट सब्जियां हो ट्वेंटी फाइव परसेंट साबुत अनाज हो जो मल्टीग्रेन होल ग्रेन जिसे कहते हैं अच्छा प्रोटीन हो और फल हो अगर हम ये सारी चीजें मेंटेन कर लेंगे तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमको मिलने लगेगा और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी अब आप हम देख सकते हैं कि इस चीज को इस मेंटेन करना कितना सही है और कितना कठिन है दूसरा विकल्प है आजकल मार्केट में तीस से 40 तरह के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स आते हैं जो फूड सप्लीमेंट के नाम से एनर्जी सप्लीमेंट के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएंगे अगर आपको किसी तरह की शारीरिक कमजोरी होती है थकान होती है प्रॉब्लम होती है ग्रोथ नहीं हो रही आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर आपको भर भर के सप्लीमेंट्स दे देंगे मल्टीविटामिन प्रोटीन कैल्शियम सारब दे, दे देंगे गोलियां दे, दे देंगे आप इनको खाएं और स्वस्थ रहें पर यह है कि अगर आप इन एलोपैथी सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं तो कुछ समय के लिए तो आपको ये बहुत अच्छा फील कराएंगे लेकिन इसके बाद कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हम आज के समय में देख रहे हैं कि ये जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं इसमें कितने हानिकारक केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे इस बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उसे साइड इफेक्ट देते हैं जिससे तरह तरह की बीमारियां भी बनने लगती हैं। अब तीसरा विकल्प है सबसे सुविधाजनक है सस्ता है सीधा है डी की स्प्रे जिसे हम अपने भोजन में शामिल कर लें और इस स्प्रिलीना को हम ये ना समझे कि ये एक फूड सप्लीमेंट है ये एक सप्लीमेंट नहीं है ये एक अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन है जो हमारे शरीर अगर हम अपनी थाली में इसको रोजाना शामिल करते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा हेल्दी फिट और निरोगी रख सकते हैं ये स्पिरुलिना

हम अपने न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं अपनी थाली में इसको हम रोज ऐड करते हैं तो ये माल न्यूट्रिशन का और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हमारे शरीर में पनपती हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं रोक सकते हैं भगा सकते हैं जो है वो इस पृथ्वी का सबसे पहला भोजन कहा गया है और ये जो जो पहला जीव बना था उसका ये भोजन था सबसे पहला हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो 500 साल पुराना इतिहास है इसका जहां से लोग इसे यूज करते आएंगे और ए, अपनी डेक्सन कंपनी ने इसे को हमारे हमें यूज करने के लिए उसे टेबलेट फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म फॉर्म में में और में दिया हुआ है और आज मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइज इस को कंज्यूम कर रहे हैं पर डे और ये स्प्रिलीना बहुत अच्छा नेचुरल पिगमेंट है जो हमें ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन सेंचुरी का सुपर फूड कहा गया है और ये हम नहीं ये पूरी रिसर्च डॉक्टर साइंस बुक आप कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितना सुपर पावर फूड है इस ट्वेंटी वन सेंचुरी का डब्ल्यूएचओ एच ओ का नाम सबने सुना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने कहा है कि ये आयरन और प्रोटीन का रिचेस्ट फूड सप्लीमेंट है जिसे हम खाएंगे तो आ, हर बच्चा यूज कर सकता है और इसे लेने से कोई भी रिस्क नहीं है एम जो आ, संस्था है जो मेनली malnutrition के लिए काम करती है और उन्होंने स्प्रोलिना को ही malnutrition के लिए यूज किया है और डीएक्सएन की स्प्रोलिना को भी वो रोग रेकमेंड करते हैं नासा हमने सब सुना होगा जो स्पेस uh, में जाने वाली एजेंसियां हैं वैसे ही यूरोपियन स्पेस स्पेस एजेंसी है जिन्होंने ये कहा है कि एज ए वन ऑफ द प्राइमरी फूड टू बी यूज ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन अब स्पेस में हम जा रहे हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी का सारा आइटम तो लेके जा नहीं सकते हैं क्योंकि तो हम स्पेस पे जा रहे हैं एक एक लिमिटेड uh, प्रोसेस में हम पैक होके जाते हैं स्पेस में हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम वो सारी चीजें ले जाएं वहां जाके खाना बनाएं फिर खाएं पर जो स्पेस में गया है उसे जिंदा वापस भी आना है तब तक भी तो वो बता पाएंगे कि हमने वहां पे क्या क्या सर्च किया तो उस समय पे अगर लंबे समय तक हमें कहीं जाना है कहीं रहना है यानी स्पेस में जो लोग जाते हैं उस समय पे इस का ही यूज करते हैं और ये नासा ने बाकायदा लिखित में कई जगह पे बताया हुआ है इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट फ्यू फूड है और इस भविष्य का सबसे अच्छा फूड जो है वो स्पिरुलिना है स्पिरुलिना के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं ये हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन है लोगों के मन में कभी ऐसा आता है कि पता नहीं ये क्या है हम इसे खा सकते हैं कि नहीं तो मैं क्लियर कर दूं कि ये हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन है रिचेस्ट नेचुरल होल फूड है सबसे ज्यादा हाईली न्यूट्रिशन का वैल्यू इस में है मोस्ट इजिली डाइजेस्टिबल है लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ये पचेगा कि नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो ये चीज है ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और हर उम्र का व्यक्ति इसे डाइजेस्ट कर सकता है कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्प्रोलिना है अगर आप इस स्लाइड में ही देखें तो एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर व्यक्ति इस को खा सकता है इसका पोषण ले सकता है और अपने आप को स्वस्थ रख सकता है स्प्रोलिना में बहुत सारी चीजें होती हैं, यू तो फोर्टी सिक्स होते हैं लेकिन अगर बात करें तो इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है सिक्सटी इसमें प्रोटीन है इसमें आ, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है क्लोरोफिल होता है ओमेगा थ्री है ओमेगा सिक्स है एमिनो एसिड्स बहुत अच्छा पाया जाता है क्योंकि ये एमिनो एसिड्स ही जो हमारे बॉडी में जो सेल्स बनती हैं सेल के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होती है जो एमिनो एसिड से हमें मिलते हैं तो हमें कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और कुछ हमें बाहर से देने पड़ते हैं तो हम अगर इस स्पिरुलिना को जब यूज करते हैं तो हमें वो सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी को हमारे जो बेस है सेल्स उसको बनाने में उसको मजबूत करने में पूरी मदद करते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं हैं बीटा है, है, है यानी कि जो विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है और विटामिन बी के भी सारे फॉर्म इस स्पेरोना में हैं तो कुल मिला के यहाँ पे तो मैंने बहुत कम चीजें बताई हैं लेकिन इसमें टोटल फोर्टी सिक्स एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और नासा ने ये कहा है कि एक किलो स्पिरुलिना की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एक हजार किलो फल सब्जी से मिलने वाली वैल्यूज के बराबर है तो अब हम सोच सकते हैं कि क्या हम एक हजार किलो फल सब्जी खा सकते हैं शायद ही कभी कोई खा पाए लेकिन एक किलो स्पिरुलिना को हम आराम से पर डे के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं कैसे कंज्यूम करेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि स्प्रोलिना को हर कोई ले सकता है अब सवाल आएगा कि भाई कैसे ले सकते हैं क्या बच्चे ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं अगर इस स्प्रोलिना को बच्चों को हम पर डे वन ग्राम देते हैं तो बच्चा जब माँ का दूध पीने के बाद जब हम उसे भोजन देना शुरू करते हैं तो उसकी डेली डाइट में अगर हम इसे शामिल करते हैं तो उसे एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी उस हेल्दी लाइफ को मेनटेन करेगा और इसकी वजह से जो बच्चों में हमने देखा होगा जो नॉर्मली बच्चे बीमार हो जाते हैं कभी भी कुछ भी हो जाता है कभी फीवर आ गया कभी अचानक ही सर्दी जुकाम हो गया एक फ्रिक्वेंट जो प्रॉब्लम आ जाती है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और आराम से डॉक्टर को हम मोहदिगाई नेग जो है वो पाँच सौ हजार रुपए दे आते हैं और खुशी खुशी दवाइयाँ गोली लेके आते हैं और आके बच्चे को देना शुरू कर देते हैं पर अगर हमने बच्चे को ये चीज पर डे वन ग्राम देना शुरू कर दिया तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर के विजिट से बचा के रख सकते हैं उसे एक हेल्दी लाइफ देंगे उसकी नींव को बहुत अच्छी तरीके से हम मजबूत करेंगे क्योंकि बच्चा जब हमारा लगभग लगभग सात से आठ साल तक का रहता है उस दौरान उसे प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते हैं ना वो पानी पीते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं जिसकी वजह से बच्चे अगर उनकी नींव जो है वो कमजोर हो गई तो आगे चल के बच्चा जैसे ही आज हम देखते हैं आठ से दस साल का होगा तो उसे चश्मे लग जाएंगे आंखों का पावर कम हो जाएगा बॉडी पेन होगा आजकल जो इतना सारा वर्क लोड रहता है उनको पढ़ाई का उसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं ढंग से खाना नहीं खाते हैं न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उनको तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर गर्ल चाइल्ड की बात करें तो जब वो बड़ी होती हैं जैसे ही उनके साइकल्स स्टार्ट होते हैं तो गर्ल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं बहुत सारी तकलीफ होती है उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि कमजोर हो जाते हैं साइकिल उनकी अनस्टेबल हो जाती है साथ में हार्मोन इम्बेलेंस बहुत होते हैं तो अगर हम बच्चे की नींव पे ध्यान देंगे तो हम आने वाले समय में अपने बच्चों का एक बहुत अच्छा लाइफ जो है वो देने में सफल हो जाएंगे क्योंकि अगर नींव मजबूत रहेगी तो भविष्य में बच्चे के ऊपर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे किसी तरह की शारीरिक कोई समस्या नहीं होगी तो वो अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा चाहे वो एजुकेशन लाइफ हो चाहे उसकी वर्किंग लाइफ हो इसके साथ में महिलाओं के लिए क्योंकि हम महिलाओं के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है और हम महिलाएं ही अपने लिए इन चीजों को सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं अगर हमें घर में किसी ने कहा कि आपको ये चीजें यूज करनी चाहिए तो अपने को लगता है कि इन लॉज है सास ससुर हैं तो आप भी खा लो आपको भी तकलीफ हो रही है पापा जी आप भी खा लो आपको हो रहा है लेकिन हम अपने लिए उस चीज को नहीं सोचते हैं। बोलते हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर हम स्प्रिना का यूज करते हैं तो हम एनीमिया से अपने आप को बचा सकते हैं एक हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है जो मंथली साइकिल होती है उसे हम अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें हम आज हम बहुत हल्के में लेते हैं लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई फीमेल एनेमिक हो गई या उसकी मंथली साइकिल में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया या उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी उसकी हेल्दी नहीं है या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे अपने को ये सुनने में तो बहुत कॉमन लग रहा होगा लेकिन जो फीमेल इस इस प्रोसेस से गुजरती है हम उससे समझ सकते हैं कि उसे कितनी तकलीफ होती होगी कितनी सारी प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में फेस करने मिल सकती है अगर हम एन, एनेमिक है कोई भी महिला तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सर दर्द होता है थकान लगती है चक्कर आते हैं आ, हमारा जो आ, काम में काम के लिए हमें एनर्जी नहीं मिलती है बहुत जल्दी हम थक जाते हैं तो ये एनीमिया के रीज़न है अब हमें खून की कमी हम खून की कमी पे ध्यान नहीं देंगे हम लगेगा कि यार उसको चक्कर आ गया उसको तो ऐसा हो गया अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो हमारा क्योंकि हमें उस समय पर न्यूट्रिशन की जरूरत ज़्यादा होती है तो अगर हम स्प्रोलिना को यूज करते हैं तो हमें वो सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और डेढ़ गुना ज्यादा न्यूट्रिशन हमको चाहिए क्योंकि उस समय पे हमें बेबी को भी अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन देना है तो हमारी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जो स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को लगभग लग तीन से पांच महीने तक वॉमिटिंग होती है क्योंकि जो लीवर है वो ढंग अच्छे से चीजों को डाइजेस्ट नहीं करता है और सारा जो जो भी हम कुछ खाते हैं वो बाहर निकल जाता है अब अगर न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं वोमिट हो जाएगा सारा जो खाना है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हेल्थ हेल्थ कैसे बनेगी और इसी वजह से बहुत सारे महिलाओं के साथ बहुत कुछ अनचाहा घटित हो जाता है जो नहीं होना चाहिए तो अगर हम स्पिरुलिना का सेवन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम बहुत अच्छी प्रेगनेंसी को कर पाएंगे और उसे आफ्टर प्रेगनेंसी भी हम इसको खाएंगे तो हम बच्चे को बहुत अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो दे पाएंगे इसको पीने यूज करने से जो मंथली साइकिल है उस पर भी बहुत अच्छा असर रहता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है प्रोटीन विटामिन मिनरल सब कुछ है तो जो आ, तीस से पैंतीस से चालीस साल के बाद में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो महिलाओं को आने लगती है उसमें ये जो मंथली साइकिल का है रेगुलेशन ये भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और इसे हम हल्के में ना लें क्योंकि जो महिला इस प्रॉब्लम को फेस करती है वो ही उसकी तकलीफ को समझ सकती है कि क्या क्या हमारे साथ हो सकता है और खास करके इस समय पे जो देखने को मिल रहा है कि पहले ऐसा होता था कि चलो जो कॉमन एक प्रॉब्लम अब सबको साथ देखने को मिल रही है कि 35 से 40 की उम्र आते आते ही महिलाओं के जो ज्वाइंट पेन है वो होने लगते हैं थकान होने लगती है पैरों में दर्द कमर में दर्द ये बहुत आम प्रॉब्लम हो गई है और जो आ, 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 वर्किंग कैपेसिटी थी वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है और ये इस समय पे हर किसी को अपने आसपास में देखने को मिल जाता होगा और जो कि ये प्रॉब्लम है लगभग पहले पचास से साठ के बीच में ऐसा सुनने को मिलता था कि घुटनों में दर्द हो गया है कि कमर में दर्द हो गया है कि ये दर्द हो गया लेकिन आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि लाइफ बदल गई है पहले उठना और जमीन पे बैठने की प्रोसेस होती थी आधे काम हम जमीन पे बैठ के करते थे लेकिन इस समय पे हर काम जो है वो पहले शहरीकरण था लेकिन अब गांव की ओर अगर हम देखें तो सेम कल्चर हो गया है नए मॉडर्नाइजेशन के कारण सभी खड़े रह के जो काम करना वो ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से आजकल घुटनों का दर्द कॉमन प्रॉब्लम हो गई है तो अगर हम डेढ़ से तीन ग्राम स्प्रोलिना पर डे कंज्यूम करते हैं तो हम इतनी सारी जो परेशानियां हैं जो एज अ फीमेल सभी को फेस करनी पड़ेंगी आज नहीं तो कल सभी को के सामने आएंगी तो बेहतर ये होगा कि हम अगर अपने आप को फिट रखेंगे हेल्दी रखेंगे तो हम अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएंगे हम अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे उन 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 पे फोकस कर पाएंगे कि उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो उनके एजुकेशन में उनके आगे की लाइफ को हम बहुत अच्छे से मेनटेन कर पाए इसके साथ में जो वर्किंग पर्सन होते हैं और जो एडल्ट होते हैं आज की भागम भाग में ऐसा हो गया है कि आ, वर्कलोड इतना हो गया है कि काम करने में ही गुजर जाता है और खाने का समय नहीं बचता है कि प्रॉपर बैठ के हम खा सकें तो सहारा किसका लिया जाता है फास्ट फूड का फास्ट फूड फास्ट फूड खाएंगे और उसकी वजह से हमें डाइट बैलेंस न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं है फास्ट फूड जो है वो 80 परसेंट एसिडिक होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो गड़बड़ होता है बॉडी एसिडिक हो जाती है और कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं तो अगर uh, जो वर्किंग पर्सन है वो स्प्रोलिना लेते हैं तो उन्हें तुरंत एनर्जी मिलेगी बॉडी एल्कलाइन रहेगी और जो एसिडिटी है वो उनकी बॉडी में नहीं होगी और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा एल्डरली एंड सिक पीपल जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार है क्योंकि ऐसे लोगों में डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाती है तो जब बीमार व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति लेते हैं तो वो आ, आसानी से स्पिरुलिना को डाइजेस्ट कर लेते हैं बीमार व्यक्ति लेता है तो वो malnutrition का शिकार होने से बच जाता है और अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेता है डेली न्यूट्रिशन मिलता है तो बुजुर्ग लोग भी एक्टिव लाइफ जी सकते हैं तो अगर हम बुजुर्ग लोगों को बीमार लोगों को डेढ़ से तीन ग्राम स्पुरना पर डे दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे और जो ओल्ड पर्सन है वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे एथलीट्स और फिटनेस लवर्स के लिए क्योंकि आज के समय में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है तो लोग जिम का भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और जो एथलीट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल वर्क बहुत होता है तो उनमें जो मसल्स डैमेज होते हैं उसको ये बहुत अच्छा रिकवर करता है ये बहुत सॉलिड ऑक्सीडेंट आप, है जो फैट को बर्न करता है और ये हमारे जो जिम वाले होते हैं जो ट्रेन करते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो ये उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है साथ में जब हम जिम करते हैं तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है तो वहां पे हमें न्यूट्रिशन की भी ज्यादा ज़रूरत होती है और अच्छा न्यूट्रिशन प्रोटीन एमिनो एसिड विटामिन मिनरल्स ये हमें सब कुछ ज्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि हमारा एनर्जी ज्यादा लॉस होता है तो अगर हम तीन से छः ग्राम स्प्रो एथलीट्स को फिटनेस लवर्स को यूज करने को कहते हैं सजेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी बॉडी को मेंटेन करेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे जो तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स uh, आ रहे हैं मार्केट में जो जिम करने वाले लोग यूज करते एथलीट्स जो है वो यूज करते हैं लेकिन वो जो uh, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं प्रोटीन ड्रिंक हेल्थ ड्रिंक लेते हैं वो कुछ समय के लिए ठीक रहते हैं उसके बाद उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बॉडी में दिखने लगते हैं और ये प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा तो स्पुरना बेस्ट है क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट नेचुरल है किसी तरह का इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हमारे बॉडी को एक जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो नेचुरल तरीके से देगा अब स्पिरुलिना तो बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं कई तरह के मार्केट में आपको स्पिरुलिना के प्रोडक्ट मिलेंगे लेकिन डिएक्शन की ही स्पायलिना क्यों क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट नेचुरल है इसके साथ में जो डिएक्शन की स्पिरुलिना है उसकी जो खेती है हमारी कंपनी खुद करती है किसी और का उगाया हुआ स्पिरुलिना हम नहीं लेते हैं बकायदा इसे सोलर पावर के कारण सुखाया जाता है में किसी भी तरह का कोई भी कलर फ्लेवर केमिकल कुछ भी ऐड नहीं है और नॉन टॉक्सिक है इसलिए डीएक्सन की बेस्ट है हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्योंकि अगर आपके नजर में कभी भी आएगा तो आप बकायदा उसमें देख सकते हैं कि कुछ उसमें रेड जो स्टार होता है वो लगा हुआ होता है तो आप इसे जब भी देखेंगे डिटेल में या कभी भी आपके संपर्क में किसी भी ब्रांड का आता है आप डब्बे में लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं ये स्पिरुलिना का रिसर्च किया गया था सेवा मंदिर स्कूल है ये केरला का स्कूल है जहा जहां पे डेढ़ सौ लड़कियों पे इसका किया गया है रिसर्च की गई थी जिसमें उन्हें पर डे स्पिरुलिना दिया गया साल भर और उन सारी लड़कियों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा गया ये, ये डेढ़ सौ लड़कियां तब हुई थी जब बीच में कुछ वहां पे आपदा आई थी तो उन सारी अनाथ बच्चियों को सेवा मंदिर स्कूल में लिया गया था और उन्हें ये स्प्रेलिना के रिसर्च की गई थी तो साल भर देने के बाद जब उनका फिर से टेस्ट किया गया तो उनका हीमोग्लोबिन प्रोटीन विटामिन मिनरल लेवर सारा कुछ उनकी बॉडी में परफेक्ट हो गया था किसी भी तरह की कोई भी उनमें माल न्यूट्रिशन का आ, फैक्ट नहीं दिख रहा था और ये बकायदा वहां का जो तमिल न्यूज था उसमें ये आ, पब्लिश भी हुआ था थाना के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह के डब्बे आते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कैप्सूल फॉर्म में भी आता है टेबलेट फॉर्म में भी आता है एक छोटा डब्बा आता है 120 कैप्सूल टैबलेट का और एक बड़ा डब्बा आता है 360 कैप्सूल टैबलेट का पर टैबलेट कैप्सूल में तीन सौ मिलीग्राम स्प्रोलिना कंटेन होता है अब जिस अगर हम बात करें तो आएगा कि भाई हम इसको कैसे अपने डाइट में कर सकते हैं सबसे बड़ा सवाल तो आजकल घर पे होता है बजट कि हमारे बजट में ये हम इसको कैसे शामिल करेंगे ऑलरेडी इतने सारे खर्चे हैं और आधा जो हमारा खर्चा है वो उसमें डॉक्टर का भी बजट जुड़ा हुआ होता है तो अगर हम देखेंगे तो जो स्पिरुलिना है वो एक गोली जो है लगभग लगभग चार रुपए की पड़ती है पर टैबलेट कैप्स का आता है तो अगर चार स्पिरुलिना जो है यूज करते हैं तो हम एक किलोग्राम सब्जी फल के बराबर का जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो हम अपनी बॉडी को दे देते हैं आप थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे कि हमें अपने इसको डेली लाइफ में कैसे लाना है तो इसके लिए ये चीजें मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ अब जैसा कि मैंने बोला चार रुपए पर कैप्सूल टैबलेट है तो अगर पर डे हम चार टैबलेट कैप्सूल यूज करते हैं तो लगभग लगभग सोलह रुपए बैठेगा उससे भी कम होगा लेकिन सोलह रुपए के एवरेज हम मान के चलते हैं अगर हमारे परिवार में दो दो बड़े लोग हैं दो बच्चे हैं तो हम वहां पे चार स्प्रुलना बड़ों के हिसाब से और दो स्प्रुलना बच्चों के हिसाब से यूज करते हैं तो लगभग बारह जो है वो टेबलेट कैप्सूल होती है और लगभग लगभग पचास रुपए पर डे के हिसाब से हमारा खर्चा बैठता है अब यहाँ पे मैं बस एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी कि आजकल हम जरूरत से ज्यादा बच्चों को पैकेट बंद आइटम कब खिला देते हैं और कब सौ रुपए पचास रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं हम कभी इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं हम अनहेल्दी चीजों का आज आ, मैं नहीं कह रही हूँ कि चलो ठीक है हमने पचास रुपए रोज सौ रुपए रोज पैकेट बंद आइटम हम नहीं खिला रहे आज हमने पिज्जा ऑर्डर किया तो क्या पिज्जा पचास रुपए का आ रहा है दो सौ ढाई सौ रुपए से कम का पिज्जा आता ही नहीं आप कोई सा भी मार्केट का स्ट्रीट फूड ले लो आपको सौ रुपए डेढ़ सौ दो सौ रुपए कब आपके जेब से निकल जाएंगे आपको वो चीज कभी मायने ही नहीं रखती हम कभी उस पर फोकस नहीं करते लेकिन अगर हम कहें कि आप अपने परिवार में ये एक हेल्दी आइटम खाइए तो तुरंत हो जाता है कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है तो हमें सोचने की जरूरत है कि जो चीजें हम आज खिला रहे हैं पैकेट वाले आइटम उनके बारे में जानकारी लें और क्या उनसे हमारे न्यूट्रिशन मिल रहा है इस चीज पे हमें फोकस करने की अब जरूरत है क्योंकि आज का जो समय आया है वो हमें सिखा के गया है कि पहला प्रायोरिटी हमारे लाइफ में हमारा स्वास्थ्य ही होना चाहिए अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी लाइफ में भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो काम करेंगे पैसा कमा लेंगे जी लेंगे लेकिन अगर हमारे पास पैसा है और हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो उस पैसे को हम कैसे यूज करेंगे फिर तो फिर डॉक्टर और दवाइयाँ और आप बस यही तीन चीज़ों का जो सिलसिला है वो जीवन भर चलता रहेगा बीमारी एक लेवल आप होती रहेगी और हम पैसे खर्चते रहेंगे तो बेहतर होगा कि आज हम सजग हों और इस, इस स्पिरुलिना को अपने लाइफ में अपने डाइट प्लान में शामिल कर लें इसके अलावा डीएक्सन स्प्रुलिना का यूज है बहुत अच्छा यूज है ये हमारे फेस को बहुत अच्छा ग्लो देता है अगर हम दो कैप्सूल पाउडर स्प्रिलिना के खोले और एक दो टेबल स्पून पानी में मिला के फेस में मास्क की तरह यूज करें 20 से 30 मिनट छोड़ के धो लें तो बहुत अच्छा ग्लो हम अपने स्किन पे देख सकते हैं अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है सभी के दिमाग में आते होंगे मेरे दिमाग में भी शुरू शुरू में आया था जब मैं इसको समझा था मैंने और आप सभी के दिमाग में भी आ ही रहे होंगे तो वो मैं आप सबकी तरफ से मैं पूछ रही हूँ कि क्या स्पिरुलिना सेफ है और क्या इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो बिल्कुल नहीं स्पिरुलिना इज अब कंप्लीटली सेफ एंड नो साइड इफेक्ट यूनाइटेड नेशन ने पांच साल का टॉक्सिकोलॉजी स्टडी किया है स्पिरुलिना के ऊपर उन्होंने पाया है कि यह कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक है सेफ है शुद्ध है जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं एक सवाल और आता है अभी मैंने बताया था कि बच्चों के लिए यूज करना चाहिए लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि बच्चों को यूज कराएंगे तो कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है तो बच्चे बिल्कुल यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए सेफ है बेस्ट फूड है क्योंकि जब हम बच्चे को मदर मिल्क के बाद जब हम खाना देना शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा बच्चों के बॉडी में इम्यूनिटी को मजबूत करेगा तो वो छोटी छोटी बीमारियों से और डॉक्टर के विजिट से बच जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबकी तरफ से है क्वेश्चन मैंने तो इसको समझा है तो मेरे दिमाग में ये सवाल अब नहीं है लेकिन आप लोगों के दिमाग में हो सकता है ये सवाल हो कि क्या अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसे दे सकते हैं डेफिनेटली यस मेनी इनलेस डिसऑर्डर्स दैट वी एक्सपीरियंस इज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन क्योंकि हम अगर पढ़े लिखे हैं थोड़ा भी हम अपने आ, उस उसपे जाएंगे स्टडी टाइम पे तो हमें ध्यान आएगा कि जब न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ाया जाता था तो उसमें बताया जाता था कि भोजन की कमी की वजह से हमें ऐसी 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 प्रॉब्लम होती हैं हाँ बालों का झड़ना विटामिन बी की कमी से आंखों की रोशनी गई है तो विटामिन ए की कमी से दांतों में प्रॉब्लम विटामिन सी की कमी से हड्डियों की प्रॉब्लम विटामिन सी की डी की कमी से तो ये सब चीजें हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं और उसी की वजह से हम बीमार होते हैं तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारी बॉडी हील होगी और रिकवरी जो है वो फास्ट होगी अगर हम किसी तरह की इलनेस से गुजर रहे हैं हमारा मेडिसिन चल रहा है तो क्या हम उस दौरान स्प्रोलिना को कंज्यूम कर सकते हैं तो डेफिनेटली यस yes, क्योंकि ये स्प्रोलिना कोई दवा नहीं है एक भोजन है जो हमारे शरीर को जो है रिकवरी करने में मदद करेगा और मेडिसिन के साथ इसका कोई भी क्रॉस रिएक्शन नहीं होता है हम इसको आसानी से खा सकते हैं क्योंकि ये दवा नहीं है भोजन है और भोजन हम खाएंगे तभी तो हमारा शरीर जो है वो मजबूत होगा और उसे एनर्जी मिलेगी हाउ लॉन्ग कैन शूड कंज्यूम स्प्रिलना हम इसे कब तक खाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है और सभी पूछते हैं हमसे भी पूछते हैं कि हम इसे कब तक खाएं? तो इस को हमें अपनी स्टाइल बनाना पड़ेगा डेली हैबिट बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं सवाल पूछ सकती हूँ कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमें कब तक खाना चाहिए आपका जवाब होगा कि भाई जिंदा रहना है तो हम तो भोजन करना पड़ेगा क्योंकि उसी से तो हमें एनर्जी मिल रही है तो वही तो भोजन ये भोजनिना भी है को हमें अपनी में एंट्री करनी पड़ेगी और डेली हैबिट में लाना पड़ेगा तो हम इसे आसानी से जो हमें न्यूट्रिशन वैल्यूज चाहिए हमारे डेली लाइफ में डेली बेसिस में वो हमें मिलते रहेंगे तो हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएंगे बिना किसी बीमारी को आने नहीं देंगे हम तो ये था स्पेरोना जो एक पास्ट का फूड है बहुत पुराना, बहुत पुराना पुराना इतिहास है इसका जो हमारे प्रेजेंट को सेव कर रहा है और हमारे फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत होगी सबसे बड़ा भोजन होगा सबसे शुद्ध भोजन होगा क्योंकि आज हम देखें तो हर जगह पे सिर्फ शहरों में ही नहीं गाँव में भी जो भी हम खाने पीने के लिए अनाज हो चाहे सब्जी हो चाहे फल हो सब में मिलावट हो रही है पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं और जिनको खाने से हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां खुद ही पैदा करता जा रहा है तो उन खानों से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो अगर हम इस्प्रे खासकर डीएक्न की स्प्रेलिना अगर हम यूज करते हैं तो हमें वो सारी चीजें बिना किसी केमिकल बिना किसी पेस्टिसाइड के एक हम हंड्रेड परसेंट नेचुरल जो न्यूट्रिशन है वो मिलेगा तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी हम अपने घर परिवार को सभी को स्वस्थ रखेंगे और धीरे धीरे हम अपने पूरे समाज को स्वस्थ बनाने में मदद कर पाएंगे तो जैसा कि पहले कहा जाता था डॉक्टर्स हमेशा बोलते थे कि एक, एक एप्पल uh, अगर हम रोज खाते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रहेंगे लेकिन आजकल ये जो कहावत थी ये भी थोड़ी बदल सी गई है क्योंकि आजकल ना एप्पल बिल्कुल भी सेफ नहीं है आप डॉक्टर्स पहले ही हमें वार्निंग देते हैं कि पहले तो आप इसे गर्म पानी में उबालें, फिर इसके बाद इसको छीलें इसके बाद खाएं जबकि पहले डॉक्टर्स कहते थे छिलका बिल्कुल नहीं छीलना है, क्योंकि इसमें फाइवर होता है, इसको खाना है। अब जो एप्पल हमने खाया है उसमें कितने तरह का केमिकल इंजेक्टेड किया गया है और हमारी बॉडी में वो क्या क्या फायदा देगा फायदे से ज्यादा तो हो सकता है कहीं नुकसान ही ना करे तो अगर हम उसके बदले में छह स्पिरुलिना कम से कम अपने की लाइफ में खाते हैं यूज करते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रहेंगे हमारी फैमिली ने तो इस चीज को अपना लिया है और हम भगवान की कृपा से डॉक्टर से दूर हैं और आगे भी रहेंगे अब बारी आपकी है कि आपको डॉक्टर से दूर रहना है इस चीज को अपनाना है या अभी भी सोचना है कि हमारा बजट है कि नहीं हम यूज कर सकते हैं कि नहीं भूलता है हमें तो भूल जाता है हम खा नहीं सकते हमारे पास टाइम नहीं है ये सब बहाने हैं अगर आप बहानों को छोड़ के थोड़ा सा अपने जो बजट है आपका उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और आप उसमें बैठ के उसपे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो प्रभावित नहीं होगा उस जगह पे आप ये स्पिरुलिना को अपने घर में एंट्री दीजिए और स्वस्थ रहिए खुश रहिए और खूब काम करें और खूब पैसा कमाएं। तो ये था स्पिरोलिना, जिसके बारे में मैंने जो मेरे पास जानकारी थी वो आप सब तक पहुंचाई है और ये बराबर आपको जो भी और जानकारी लेना चाहते हैं जिनको लगता है मुझे और स्टडी करनी है हम खोजी प्रवृत्ति के हैं आप गूगल पे जाइए वहां पे आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्पेरोना डॉट कॉम डालेंगे आपको स्पेरोना के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी ये मैं स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंसान दो चीजों पे ही भरोसा करते हैं विश्वास आता है या तो हम किताबों में पढ़ें क्योंकि बचपन से हमें जो भी ज्ञान में दिया जा रहा है वो पहले हमको किताबों में दिया जाता है हम उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ भाई ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं यानी कि ये सही होंगी जो गणित के लॉ हमने पढ़े वो बुक में पढ़े जो नियम थे वो हमने गणित की बुक में पढ़े जो साइंस में जो नियम थे वो हमने साइंस की बुक में पढ़े और उसको हमने सही माना और आगे चल के हमने उसको अप्लाई किया तो या तो हम विज्ञान की बुक में स्पिरुलिना को पढ़े और उसको माने विश्वास करें और यूज करें या दूसरा आजकल का सबसे फास्टेस्ट जो नॉलेज का रिसोर्स है वो है गूगल और लोगों को आजकल अपने बड़े बुजुर्गों की बात से ज्यादा गूगल पे विश्वास है तो गूगल इसीलिए बता रही हूँ कि गूगल पे आप जाइए के बारे में खुद पढ़िए समझिए विश्वास करिए और इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए तो ये था मेरा एक अब इसके साथ में मैं एक और छोटे से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगी बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है और समझ लीजिए कि ये अभी तक का हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ये गैनोजी प्लस टूथपेस्ट क्योंकि जब मैं इसके बारे में एक छोटा सा अपना किस्सा शेयर करूंगी आप सभी से जब मैं डेक्सन में नई नई आई थी और मैंने एक ही प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया था चाय फिर इसके बारे में जब मेरे अपलाइन संजय सर ने हमें बताया कि इसके बारे में कुछ और भी जानकारी मिलेगी और कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा नॉलेज किया डीप नॉलेज लिया और पता लगाया कि क्या क्या ये कर सकता है कौन सा हर्ब है हर्ब क्या है अब उन्होंने सब कुछ कर लिया था हमने कुछ भी नॉलेज नहीं लिया था तो उनके कहने पे हमने एक सेमिनार अटेंड करने गए और वहाँ मैं ही बस गई थी और वो डॉक्टर्स का सेमिनार था तो उस सेमिनार में बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस को लेके थी तो जब वहां पे पूछा गया कि आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो सबने अपना अपना जो भी था वो ठीक है और इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने कभी पढ़ा कि आपके टूथपेस्ट पेस्ट में क्या लिखा होता है उसमें क्या क्या कंटेंट है कभी आपने उसको जानने की कोशिश की तो वाकई में मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा नया सा था ये चीज क्योंकि मैं तो कभी इतने सालों से टूथपेस्ट इस्तेमाल करते आए तरह तरह के इस्तेमाल किए जो भी हमने टीवी में देखा और हमें अच्छा लगा थोड़ा अट्रैक्टिव लगा हम वो लेके आए लेकिन कभी पढ़ा नहीं कि उसमें लिखा क्या होता है और वहां पे उन्होंने बताया कि आप जाके उसमें पढ़िएगा कि उसमें मतलब ये चीज में बराबर मेंशन की हुई है कि छह साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे, देते भी हैं तो पी साइज दें ध्यान रखें कि बच्चे उसको निगले नहीं और ये बात है दो की अब मैं वहां से घर आई और मैं पहले घर आके ही पहले मैंने मेरा पेस्ट ही पहले बाथरूम में जाके चेक किया कि टूथपेस्ट में में वाकई लिखा है कि वहां पे ऐसे ही बताया गया और जब मैं आके पढ़ा तो वाकई में वो सारी चीजें लिखी हुई थी सारे कंटेंट लिखे थे तो थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी फिर मैंने उसको नेट पे बहुत सारी चीजें जो उसमें कंटेंट लिखे थे उसके बारे में भी पढ़ा तो मेरी जो आंखें थी वो खुल गई पर अब तब तक मुझे पता नहीं था कि इसमें पेस्ट है अपना और हमने इस्तेमाल नहीं किया था तो धीरे धीरे फिर हमने जो है जानकारी ली थोड़ा अपने माइंड को जो है वो नॉर्मल जो चलती आई थी प्रथा उससे थोड़ा सा बदला क्योंकि अभी तक हम सामान जा, जा के खरीदते थे फिर ये चीज हम लेके आए और इसको यूज करना शुरू किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले सबको अच्छे रिजल्ट मिले हम बहुत संतुष्ट हो गए अब बहुत लंबी स्टोरी है मैं इसको बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा तो अब मैं इसको मैं आप ये बताना चाहूंगी कि वाकई में ये टूथपेस्ट में है क्या जो मैं इतनी इसकी तारीफ कर रही हूँ इतना मैं इससे खुश हूँ तो देखते हैं टूथपेस्ट के बारे में और अभी तक का जो टूथपेस्ट के बारे में या ओरल हेल्थ के बारे में जो एक सर्वे कहता है कि नाइन्टी परसेंट जो लोग हैं वो बीमार होते हैं और उनकी जो ओरल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होती है जिसकी वजह से बहुत सारे जो डेंटल डिजीज है वो होती है और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं इसके कारण पुअर ओरल हेल्थ के कारण अगर हमारा मुंह का हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं है तो बहुत सारे हम परेशानियों का सामना कर सकते हैं पुअर ओरल हेल्थ के कारण हमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं वैसे तो सबको ही होती होंगी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो होती ही होंगी और जिसको नहीं होती है उसके लिए बहुत बड़ी जोरदार तालियां टूट डीके हो सकता है बैड ब्रीथ हो सकती है जो मुंह से खराब स्मेल आती है गम वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं उनमें छूने पे पेन होने लगता है टूथ लॉस होने लगते हैं दांत झड़ने लगते हैं प्लाक बनने लगता है साथ में हमें जो सेंसिटिविटी होती है ठंडा गर्म और इन चीजों का एहसास होने लगता है दांतों में और इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो डायबिटीज uh, का कारण भी बनती हैं और हार्ट डिजीज भी हमारे पुअर ओरल हेल्थ का के कारण हो सकता है तो इस तरह के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है कि होती होंगी uh, सभी अब अलग अलग फेस कर सकते हैं तो और ये हमारे धीरे धीरे हमारे मेंटल हेल्थ पे भी जो इफेक्ट है वो डाल सकता है अब जो हमारा टूथपेस्ट है वो एक बहुत मेजर रोल अदा करता है हमारे अच्छे ओरल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस टूथपेस्ट की अभी तक अगर हम देखें तो पहले के लोग जो है वो दातून करते थे नीम की या दूसरे किसी पेड़ों की उनके दांत दातून करने के बाद भी चलते थे सालों चलते थे और आ, आ, सत्तर अस्सी साल तक भी आराम से दांत जो है वो चलते थे लेकिन आजकल टूथपेस्ट इतने तरह के आए इतना उसमें मॉडिफिकेशन हुआ उतनी और उतनी ही तेजी से जो है वो डॉक्टरों के दवाखाने भी खुलते गए और दांतों की समस्याएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही हैं सोचने वाली बात है कि जब इतना कुछ है हमारे पेस्ट में जो कि हमें नॉर्मल जो हम ब्रांड देखते हैं मार्केट के तो कितने सारी चीजें बताते हैं आके क्योंकि तो हम जरिया वही है हम एड देखते हैं और उससे ही हम अपने लिए बेस्ट चुनते हैं एट भी बहुत सारे पेस्ट के आते हैं पर जब भी हम वो बेस्ट चुनते हैं उसमें बहुत सारी क्वालिटीज देख के चुनते हैं कि हाँ भाई ये 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 चीजें इसमें हैं ये हमारे दांतों की इतनी अच्छी केयर करेगा लेकिन क्या वो हमें मिला है अगर मिलता तो क्या दांतों की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जाती कम होना चाहिए ना फिर उनको बढ़ना नहीं चाहिए तो ये चीजें देखने को मिलती हैं क्या आप हाँ जानते हैं कि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें कितने तरह के टॉक्सिन्स का यूज होता है और ये टॉक्सिन्स ही हमारे जो टूथपेस्ट uh, में यूज होते हैं वो हमारे ओरल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं क्या क्या टॉक्सिन्स होते हैं देख लेते हैं एक सेक्रीन होता है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है मिठास के लिए कलरिंग एजेंट होता है फ्लोराइड है सभी आप देख सकते हैं जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ आप इन चीजों को अपने टूथपेस्ट में भी देख सकते हैं सिलिका होता है प्रोपिलीन होता है पेराबेन है सोडियम लॉरल सल्फेट है सोडियम लॉरल एथर सल्फेट है और ट्राइक्लोसान है ये सारे केमिकल्स जो है हमारे टूथपेस्ट में मिले हुए होते हैं अब ये क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं किन चीजों के लिए यूज होते हैं टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए यूज होते हैं आज हम देख रहे हैं तरह तरह के टेस्ट के जो है वो पेस्ट आने लगे हैं तरह तरह का पहले तो व्हाइट ही बस आता था आजकल तो बहुत अट्रैक्टिव कलरफुल जो है टूथपेस्ट आने लगे हैं फॉर्मिंग होती है झाग वाले टूथपेस्ट होते हैं वाइटनिंग टीथ के लिए सब दांतों को सफेद करने के लिए केमिकल मिलाया जाता है उसका टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए केमिकल मिलाया जाता है और सबसे बड़ी बात कि उसका कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए इन तरह तरह के केमिकल्स को मिलाया जाता है अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि जो टूथपेस्ट में सारे केमिकल्स मिले होते हैं सेक्रीन जो जो पिछले स्लाइड में मैंने बात की थी कि ये मिठास देता है क्या मिठास की जरूरत है हमें क्योंकि यहाँ अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसे सुबह की शुरुआत में ही मिठास जो है वो भर भर के दे देते हैं बाय टूथपेस्ट कलरिंग फ्लोराइड जो है वो दांतों की परत को झाड़ देता है और इसमें आज मैं बात करूंगी जो ये सोडियम लॉरल सल्फेट है अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक झाग देने वाला एलिमेंट होता है जो जनरली साफ सफाई के लिए यूज होने वाले मटेरियल में मिलाया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें होती हैं उसमें झाग के लिए जो यूज किया जाता है वो सोडियम लॉरल सल्फेट ही होता है और क्लीनिंग के लिए स्पेशली जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उसमें ये केमिकल्स मिले होते हैं तो अब सोचने वाली बात है कि क्या हमारे दांत और मुंह की सफाई के लिए जो हम अपने घर के क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को उस केमिकल को यूज करना क्या हमारे मुंह के लिए सही है क्या झाग का आना हमारे लिए जरूरी है कि टूथपेस्ट में झाग हो वो केवल एक साइकोलॉजिकली पकड़ा गया है कि अगर झाग देगा तो हमको लगता है कि हमारे जो मुंह की सफाई है वो अच्छे से हो गई। लेकिन ये सारे केमिकल्स जो है वो हमें तरह तरह की बीमारियां देते हैं नुकसान करते हैं दांतों की तरह तरह की समस्याओं को पैदा करते हैं तो बेहतर ये होगा कि अगर हम थोड़ा सा इन चीजों के बारे में जागरूक हो और एक अच्छा टूथपेस्ट चुने अपने लिए जो आपके दांतों की ओरल हेल्थ को एक अच्छा कर सके अब चूज टूथपेस्ट राइट आपको कैसे एक अच्छा और हेल्दी टूथपेस्ट आपको चुनना है जो आपके दिन की शुरुआत करे और रात तक का अंत करे तो वो है टूथपेस्ट जिसको आपको यूज करना है और करना ही चाहिए सभी को यूज करना चाहिए वो है गेनोजी प्लस टूथपेस्ट जो जिसमें ना ही ट्राइक्लोसन है ना पैराबेन है ना सोडियम लॉरेल सल्फेट है ना ही फ्लोराइड है ना उसमें सिलिका है ना ही किसी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसमें नो आर्टिफिशियल कलर एंड नो प्रिजर्वेटिव गैनोजी प्लस टूथपेस्ट में वो चीजें नहीं है जो हम एक नॉर्मल ब्रांड जो हम यूज करते हैं मार्केट से लाके उसमें सारे केमिकल्स मिले हुए हैं तो आप अब इसमें ही सोच सकते हैं कि अगर उन केमिकल्स को ही हम छोड़ देंगे तो भी यह टूथपेस्ट में हम बहुत सारी चीजों को अच्छा ही होगा कम से कम अगर हम ये ये सारे केमिकल्स को हटा देते हैं तो भी कम से कम हम वो उन चीजों का इस्तेमाल तो नहीं करें जो हमारे मुंह के लिए नुकसानदेह है अब गेनोजी प्लस टूस में है क्या वो सब चीजें तो नहीं थी है हमारे टूथपेस्ट में जालोटॉल है जो नेचुरल स्वीटनर का काम करता है ऑयल है और साथ में गैनोजर्मा हुआ है ये क्या करते हैं जालोटॉल जो है नेचुरल स्वीटनर है किसी तरह का इसमें सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव या जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो नहीं है मिठास के लिए बनाया गया नहीं है इसमें नेचुरली ही मिठास होती है ये टूथ फ्रेंडली होता है, maintain natural pH level, जो हमारा मुंह का पीएच लेवल होना चाहिए उसको ये मेंटेन करता है को करता है, जो दांतों की जो झड़न होती है उसको दूर ठीक करता है सलाइवा जो कैविटी बनती है एसिडिटी बनती है उसको दूर करता है और कैविटी से भी हमारे दांतों की रक्षा करता है तो जैलोटॉल इतनी सारी चीजें करता है एक एक ही जो स्वीटनर है ये हमारे जो मिला हुआ है जो कंटेंट जायलट ऑल इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और इतनी सारी अच्छी चीजें देता है साथ में है पिपरमेंट ऑयल जो क्या करता है बैड ब्रीथ को दूर करता है कूलिंग इफेक्ट को दूर आ, मतलब दांतों को मुंह का जो एहसास है वो ठंडा रखता है दांतों के दर्द से आराम दिलाता है क्योंकि मिंट में ये खासियत होती है एंटी इंफ्लामेट्री है जो मुंह में या दांतों में जो किसी तरह का अगर जलन महसूस होती है उसको भी दूर करता है और एंटी माइक्रोबियल है अगर कुछ मुंह में हमारे जो हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं उसको भी ये दूर करता है मारता है अब देखते हैं गेनोडरमा के बारे में गैनोडर्मा जो कि काफी पुराना थाउजेंड ईयर का इसका पुराना जो इतिहास है उसके हिसाब से एक मैजिक इंग्रेडिएंट है गेनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब कहा गया है जिसमें 400 से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज होती है मेडिसिनल वैल्यूज होती है जो हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है ये एडाप्टोजन है यानी कि ये हर तरह के बॉडी पे एडॉप्ट हो जाता है किसी को किसी तरह का नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होता है नॉन टॉक्सिक होता है बॉडी में आराम से हमारे आ, 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 समा जाता है किसी भी तरह का डैमेज नहीं करता है और ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है हमारी बॉडी में तो ऐसा जो चमत्कारिक हर्ब है गेनोडर्मा वो हमारे टूथपेस्ट में मिला हुआ है अब गेनोडर्मा के कारण क्या होगा जो आ, माउथ का जो एल्कलिटी है एसिड और बेस का जो रेशियो है उसको बैलेंस करता है साथ में गेनोडर्मा में पावर होती है वाउंड को हील करने की यानी कि अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं या किसी तरह का माउथ uh, माउथर हो, हो रहा है तो उसको भी ये दूर करता है प्लाक को रिमूव करता है गम ब्लीडिंग जो होती है उसको दूर करता है ठीक करता है और इसके साथ में क्योंकि गेनोडर्मा में ये उसकी स्पेसिलिटी है उसमें गुड़ है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और एंटी वायरल होता है जो मुंह में अगर इस तरह का कुछ भी हानिकारक है बैक्टीरिया वायरस फंगल तो उनको ये दूर करता है और मुंह की सुरक्षा करता है साथ में ये सेंसिटिविटी को भी दूर करता है लेकिन जो टंग की सेंसिटिविटी है उस पर इसका किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता है ये गनोजिक टूथपेस्ट जो है वो ऑल इन वन है सभी तरह की समस्याओं के लिए एक ही टूथपेस्ट है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल अन्ति है। ब्लीडिंग से, प्रिवेंट करता है। टूथ से हमें आराम दिलाता है जो प्लाक होते हैं उसे रिमूव करता है और एंटीजीज है बैड ब्रीथ जो है उसको ये दूर करता है यानी कि अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप गैनोजी तो प्लस टूथपेस्ट जो है वो मल्टीपर्पज यूज का है मुंह की तो सुरक्षा करता ही है इसके साथ में भी इसके बहुत सारे यूज हैं जिसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अगर हमें हेडेक होता है तो थोड़ा सा पिंच ऑफ टूथपेस्ट एकदम तो मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेके दो बूंद उसमें पानी डाल के अपने फोरहेड पे हम लगाएंगे तो हमारा हेडेक जो है वो दूर होगा क्यों दूर होगा क्योंकि गेनोडर्मा और पेपरमेंट दोनों ही नेचुरल पेन किलर हैं और पेपरमेंट जाल जो है वो हमें रिफ्रेश फील करवाता है दूर हो जाती है हमें हरे हेड और ये हमने प्रैक्टिकली इसका जो फीलिंग है वो किया हुआ है इसके साथ में अगर नोज ब्लॉक हो रहा है नोज है साइनस की प्रॉब्लम है तो हम इस टूथपेस्ट को एक पिंच ऑफ टूथपेस्ट लेंगे जिसे हम हॉट वाटर में मिलाएंगे और उससे हम स्टीम लेंगे भाफ लेते हैं तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है नाक अगर ब्लॉक हो रहा है या कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम दूर कर सकते हैं क्योंकि गैनोडर्मा और पिपरमेंट है जो जो स्टीम है वो हेल्प करता है हमारे नोज ब्लॉक को दुख खोलने में साइनस से रिलैक्स देता है और रेस्पायरेटरी रिस ट्रैक को भी खोल देता है और मिंट हमारे सांसों में एक ताजगी लाता है शॉर्ट शॉट है इन्फेक्शन है, है या कफ है यानी कि अगर हमारा जो गले में जो पेन होता है या इचिंग होती है कफ होता है उससे भी ये हमें आराम दिलाता है इसको हम थोड़ा सा टूथपेस्ट को लेके वार्म वाटर के मिला के हम उसका गार्गल करते हैं तो हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है क्योंकि गेनोडर्मा है और पेपरमेंट है जो दोनों ही थेरापेटिक वेल्यूज होती है और ये हमारे थ्रोट पेन को कम करती है ड्राइनेस को कम करती है और जो इरिटेशन होता है उसको भी दूर करती हैं साथ में हमारे गले को आराम दिलाता है और हमें फ्रेश फीलिंग देता है इसके साथ में अगर हमें कहीं बर्न हो गया जल गए हैं या कट गए हैं तो हम गैनोडर्मा जो टूथपेस्ट है उसको यूज करेंगे थोड़े से पानी के साथ मिला के हम अगर उस जगह पे घाव की जगह पे लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी हम इस प्रॉब्लम्स को भी भर लेते हैं कट लगा हुआ है तो घाव भर जाता हुआ है जला हुआ है तो वहाँ पे भी स्किन की जो है वो हीलिंग होती है क्योंकि तो गैनोडर्मा में हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है जो इस तरह के जो इफेक्टेड एरिया है उन्हें बहुत जल्दी भर देता है और साथ में मिंट जो है वो कोलिंग इफेक्ट डालता है यानी कि वहां पे जलन महसूस नहीं होती क्योंकि अगर कभी घाव है तो उसके साइड के एरियाज में हमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है इचिंग हो रहा है या इंसेक्ट बाइट कर गया है तो वहां पे भी हम टूथपेस्ट को थोड़ा सा पानी में मिला के लगा लेंगे तो हमारा जो इंसेक्ट करा है कट गया है तो वहां पे हमें जो इचिंग होती है उससे हमें आराम मिल जाएगा साथ में अगर हमारी एड़िया फट रही हैं तो हम थोड़ा सा टूथपेस्ट को लेके उसे पानी में डालकर और अपने हॉट हाँ वाट वाटर या वार्म वाटर में डालकर मिलाकर पैरों को डाल के रखेंगे तो जो हमारा एड़ियों की जो सुरक्षा है वो भी हो जाएगी क्योंकि एंटी माइक्रोवेल है ये और हमारे एडियो को जो है वो चिकना बनाएगा और उसे जो फटी फटीडिया है दरारे हैं और जो गैप हो रहे हैं उसको ये भर देगा माउथ वॉश के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इसको हम थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ लेंगे और मिलाएंगे और माउथ वॉश के रूप में हम करेंगे तो जो खाने के बाद जो बैक्टीरिया या जो खाने के कण हमारे मुंह में फंसे रहते हैं वो बैड बैक्टीरिया को बुलावा देते हैं तो जब हम इससे माउथ वॉश कर लेंगे तो बैड ब्रीथ को भी दूर करेगा और हमारे माउथ को भी अंदर से क्लीन कर देगा साथ में एक कूलिंग इफेक्ट भी देगा तो जस्ट अ पी साइज अमाउंट ऑफ पेस्ट एक मटर के दाने के बराबर पेस्ट का यूज हमें कितनी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है और अगर दो मिनट दो बार हम पर अपने दिन में इसको यूज करते हैं एक बार सुबह एक बार रात में तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा हेल्दी रख सकते हैं तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पेस्ट मैंने मेरा खुद घर पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पापा जी का ट्रीटमेंट चलता था डॉक्टर के पास लेकिन अब उनका ट्रीटमेंट का कोई भी चीजें हम नहीं ले रहे हैं यही से टूथपेस्ट से उनका जो दांतों का प्रॉब्लम है वो ठीक है बस केवल एक पेस्ट ही हमारा पूरा परिवार यूज कर रहा है सभी के अच्छे हैं दांत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस जो पुराना जो लॉकडाउन का समय रहा है उसका मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे कांटेक्ट में आए खास करके सिक्सटी प्लस फिफ्टी सिक्सटी प्लस लेडीज हैं जिनको दांतों की प्रॉब्लम थी और क्योंकि उन्हें डॉक्टर और हॉस्पिटल के डर के कारण वो हमारा टूथपेस्ट जो है हमने ऐसे ही जस्ट प्रमोट किया था तब से वो यूज कर रहे हैं और उनसे आराम मिला उस टूथपेस्ट को यूज करने से दांतों में जो भी प्रॉब्लम थी उसमें उन्हें बहुत रिलैक्स है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं इसलिए पर हर पर मंथ उस टूथपेस्ट को बराबर यूज कर रहे हैं एकदम अपने पास उसको छुपा के बिल्कुल रख रहे हैं कि हमारा टूथपेस्ट कहीं इधर उधर नहीं हो ताकि अगर हमें कोई दांतों की प्रॉब्लम हो तो हम उसको इस्तेमाल करें और बचे रहें तो इस तरह से वो कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल से बच गए हैं लोग और टूथपेस्ट इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम से राहत पा लिए हैं साथ में एक आ, फैक्ट अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि टूथपेस्ट में अगर हम देखेंगे अभी तक नहीं देखा होगा जिन्होंने भी वो देखिएगा अपने घर में जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें एक कलर कोड होता है वो कलर कोड किस कलर का है आप जाके उसको खुद एनालिसिस करिएगा और इसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा और मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अगर आपके टूथपेस्ट में ब्लू कलर का बार कोड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कि आपका जो टूथपेस्ट है उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है प्लस मेडिसिनल वैल्यूज वाले इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं अगर वो टोटली ग्रीन कलर का है तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है वो टोटल ही नेचुरल है किसी भी तरह का कोई केमिकल या अन्य चीजें उसमें नहीं मिली हुई है अगर आपके टूथपेस्ट में रेड कलर का बार कोड है, है तो हमें उसमें नेचुरल चीजों के साथ में केमिकल्स का भी मिलावट है और अगर टूथपेस्ट में ब्लैक कलर का कलर कोड है यानी कि टूथपेस्ट हमारा टोटली केमिकल से मिला हुआ है तो इस तरह से ये तीन चार चार तरह के जो कलर कोड होते हैं और इसमें मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जान के कि जो गेनोजी प्लस टूथपेस्ट है उसमें ब्लू कलर का कलर कोड है इसी वजह से वो नेचुरल इंग्रेडिएंट और मेडिसिनल वैल्यूज से मिलके बना हुआ है जो हमारे दांतों की पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से ओरल हेल्थ को मजबूत करता है और हमें बहुत सारे उसके जो एक्सटर्नल यूजेस हैं करने से हमें बहुत सारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है लेटेस्ट में मैंने इसका यूज किया था मैंने पढ़ा था कि अगर आपको कभी दस्त लगे तो आप पिंच बराबर टूथपेस्ट लेके एकदम हल्का गुनगुने पानी में गर्म पानी में मिला के अगर आप उसको पी जाते हैं तो आपका जो दस्त का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा और ये मैंने अभी कुछ समय पहले अपने आप पे इसको एक्सपीरियंस किया था तो मुझे वाकई में रिजल्ट मिला और मुझे किसी भी तरह के जो गोलियां होती हैं टेबलेट वो खाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने मेरा जो दस्त की प्रॉब्लम थी वो दूसरे दिन ठीक कर लिया और इस तरह से कई तारे यूज हैं बताने को तो बहुत कुछ है बहुत समय लग जाएगा बताने लगूंगी पर इतना है कि टूथपेस्ट वाकई में बहुत चमत्कारिक है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ओरल हेल्थ अपने पूरे परिवार के दांतों की समस्या से दूर रखेंगे और साथ में स्प्रे यूज करते हैं तो आप अपने पूरे परिवार को हेल्दी रखेंगे और सबसे खास बात कि ये चीजें आपको एक जो जो साइड की सेविंग है जो पैसे आप आज बचा रहे हैं और आगे चल के आप डॉक्टर के पास जाके खर्च करने वाले हैं पैसा खर्च करने में भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी हेल्थ दिनों दिन डाउन होती जाएगी बीमारी कभी अपने पुरान ठीक नहीं हो पाती है और एक लेवल आपको धीरे धीरे होती जाती है तो बेहतर ये होगा कि हम बीमारी आने का इंतजार ना करें और बचाओ कि वो छोटे-छोटे तरीके अपने परिवार में शामिल करें अपने डेली लाइफ में शामिल करें जिनके इस्तेमाल से हम अपने आप को अपने परिवार को अपने आने आसपास के लोगों को हम सुरक्षित रख सकें स्वस्थ रख सकें और एक जो हमारा हेल्थ का जो जाता है बजट उसको हम सेविंग अपने पास रख और उन पैसों को हम बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर सकें क्योंकि अगर हमारा बॉडी हेल्दी होगा स्वस्थ होगा तो हमें जीवन का हर आनंद जो है वो बहुत सुनहरा लगेगा और हम हर परिस्थितियों को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे तो ये थी मेरी बात अब मैं धन्यवाद दूंगी कि मुझे

पर्सनल टेस्टिमोनी को लेके है डीएक्शन इसके ऊपर कोई दवा नहीं करता तो ये जो प्रोडक्ट्स के बहुत सारे फायदा जो मैडम ने बताए बहुत अच्छे तरीके से हमें बताएन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें दोस्तों तो फिर ही हम मिलेंगे एक नए समय और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए धन्यवाद गुड मॉर्निंग